दोस्तों भारत के अंदर क्रिकेट के खेल में अगर कोई देश की तरफ से खेलना चाहता है तो उसके लिए ना केवल उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि काफी लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। और इस बात की ही गवाही है भारतीय टीम में खेल रहे ऑलराउंडर केदार जाधव की कहानी, जिन्होंने अभी तक अपना पूरा लाइफ यूं तो क्रिकेट को ही समर्पित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय नेशनल टीम की तरफ से उन्हें 29 साल की उम्र में जाकर पहली बार खेलने का मौका मिला। और दोस्तों यूं तो केदार जाधव के लग ने शुरुआती समय में उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन भारतीय टीम में आने के बाद से वह टीम के लकी चार्म बने हुए हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में भारतीय टीम ने 80% से भी ज्यादा मैचेस जीते हैं। और दोस्तों खासकर वह अपने अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन को लेकर भी काफी चर्चे में रहते हैं, क्योंकि जिस साझेदारी को बड़े बड़े गेंदबाज भी नहीं तोड़ पाते उन्हें भी केदार अपना शिकार बना लेते हैं, और इसीलिए भारतीय टीम में उन्हें पार्टनरशिप ब्रेकर भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं 29 साल की उम्र में जाकर नेशनल टीम में पहली बार जगह बनाने वाले केदार जाधव की पूरी कहानी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 26 मार्च 1985 से, जब महाराष्ट्र के पुणे में केदार जाधव का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम महादेव जाधव था जो कि बिजली विभाग में काम किया करते थे, और उनकी माँ का नाम मंदाकिनी जाधव जो कि एक हाउसवाइफ थी। और दोस्तों कहा जाता है कि केदार जाधव बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के थे और क्रिकेट के खेल से प्रेम उन्हें महज 2 साल के रहते हुए ही हो गया था। और इस खेल से लगाव भी कुछ ऐसा कि वह अपने प्लास्टिक का बैट लेकर सोते भी थे। और केदार जाधव की बहन सुचिता जाधव बताती हैं कि बचपन में वह कोई भी गोल चीज पाते ही गेंदबाजी का अभ्यास करने लगते थे, और इसी वजह से उन्हें बचपन में खूब डांट भी सुनने को मिला है। हालांकि उनके लगाव को देखकर सभी फैमिली मेंबर्स के मन में यह बात हमेशा ही चलती रहती थी कि केदार बड़े होकर एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी बनेंगे। और फिर इसी तरह से केदार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई MIT हाई स्कूल से की। हालांकि क्रिकेट के प्रति लगाव उन्हें इतना ज्यादा था कि पढ़ाई में उनका कुछ खास मन नहीं लग सका। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां केदार पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वहीं उनकी 3 बड़ी बहनों में से एक ने इंग्लिश में PhD, दूसरी ने इंजीनियरिंग और तीसरी बहन ने फाइनेंस में MBA किया है। हालांकि हाई स्कूल के पढ़ाई के बाद से केदार जाधव ने क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने का सोच लिया, और जल्दी उनके टैलेंट को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट टीम में उन्हें जगह मिल गई। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ साल खेलते हुए केदार के टैलेंट में भी काफी निखार आया, और जल्दी 2004 में उन्हें महाराष्ट्र के टीम में भी शामिल किया गया। हालांकि यहां तक तो केदार जाधव के लिए सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद से केदार का डगर इतना आसान रहा नहीं, क्योंकि घरेलू टीमों में शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें नेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। और फिर समय बीतने के साथ ही उन्हें नेशनल टीम में तो अभी भी नहीं, लेकिन IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से उन्हें खेलने का मौका मिल गया। और फिर अपने पहले ही मैच में RCB के खिलाफ 29 बॉल पर 50 रन बनाकर जाधव ने भी अपनी टीम में जगह को सही साबित किया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने कोची तस्कर्स केरला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की तरह ही अलग अलग IPL टीम्स की तरफ से खेलना जारी रखा। बहरहाल इसी बीच 2012 में रणजी ट्रॉफी खेलते हुए महाराष्ट्र की टीम की तरफ से उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाया और 327 रन बनाकर वह नेशनल सेलेक्टर्स की नजरों में आ चुके थे। हालांकि भारत में क्रिकेट के अंदर इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि टीम में जगह बनाना काफी मुश्किल काम है, और इसीलिए ट्रिपल सेंचुरी जैसे बड़े अचीवमेंट्स के बाद भी केदार को नेशनल टीम में जगह नहीं मिल सका। हालांकि केदार जाधव ने भी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा और 2013-14 के रणजी ट्रॉफी में 6 शतक के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा 1223 रन बनाए। और अब इस बार इतने सारे रन्स को देखकर सेलेक्टर्स भी केदार को नजरअंदाज नहीं कर पाए, और काफी देर ही सही लेकिन जून 2014 में बांग्लादेश टूर के लिए उन्हें नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। हालांकि अब यहां भी देखिए कि सीनियर प्लेयर्स ने कुछ इस तरह से अपनी जगह बनाई हुई थी कि उन्हें इस सीरीज के किसी भी मैच के प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि नवंबर 2014 में उन्हें एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टूर्नामेंट में शामिल किया गया, और यहां पर भी उन्हें मौका मिला भी तो 5वें मैच में, जहां उन्होंने 24 बॉल पर 20 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों अपने अगले ही सीरीज में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 87 बॉल पर बिना आउट हुए कुल 105 रन बनाए, और फिर यहां उनके खेल को देखते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ ही भारत के T20 स्क्वाड में उन्हें जगह दिया गया। और दोस्तों इसी तरह से करीब 29 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले केदार जाधव को जब भी मौका मिला तब उन्होंने देश के लिए रन बनाए, और उनका वनडे करियर में करीब 48 का औसत इस बात की गवाही देता है।
और दोस्तों केदार जाधव ने अपने बल्ले से तो रन बना ही है, लेकिन इसके अलावा नेशनल टीम में जगह मिलने के बाद उनके गेंदबाजी में भी काफी निखार आया है और उन्होंने अभी तक वनडे मैचेस में कुल 26 विकेट लिए हैं। और इन लिए गए विकेट्स में भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ज्यादातर टॉप ऑर्डर्स में खेलने वाले बैट्समैन को आउट किया है और खासकर उनका एक अलग ही बॉलिंग एक्शन काफी चर्चे में रहता है। और दोस्तों अगर केदार जाधव के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने स्नेहल जाधव नाम की लड़की से शादी की और स्नेहल से उन्हें एक बेटी भी है। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि केदार जाधव ने अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी और इसी वजह से 29 के होने के बाद ही सही लेकिन आखिरकार भारतीय टीम में उन्हें जगह मिल ही गई। और उनकी लाइफ स्टोरी हमें यह सिखाती है कि अपना काम हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए, सफलता देर ही सही लेकिन मिलती जरूर है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।